हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन 5G सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। जो यहाँ पे पिलग्रिम की साइट्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेज़ी से गवर्नमेंट यहाँ पे देख रही है। एंड जो आपको स्क्रीन के साइड में भी एक न्यूज़ दिख रही होगी, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है जो 31 न्यू साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे इंस्टॉलेशन होने वाला है 5G टावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन की यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। एंड यहाँ पे पूरे जो यात्रा रूट से, जो अमरनाथ का यात्रा रूट से, उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है जो लास्ट ईयर तक 23 तक केवल ऐसी 51 साइट्स थी, 51 ऐसी साइट्स थी जहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम, टावर इंस्टॉलेशन का काम होना था। बट आज के दिन यदि हम टिल डेट की बात करें तो 2024 तक वो साइट्स बढ़ के 82 तक पहुँच चुकी हैं, जो पूरी 5G सेक्टर के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की तरह देखी जा रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है, जिस तरह से पूरे टेलीकॉम सेक्टर में एक तेज़ी बनी हुई है, आने वाले समय में वो तेज़ी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। यदि हम बात करें फुल लेटेस्ट न्यूज़ की, तो यहाँ पे बताया गया अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम टू सेट 5G कनेक्टिविटी अलोंग रूट। एंड जो पूरा रूट है वहाँ पे ऐसी 82 साइट्स यहाँ पे डिक्लेयर की गई हैं जहाँ पे 5G टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है। एंड यदि इसी के साथ यदि हम इस कंपनी के लिए भी वो पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें, तो ये कंपनी डायरेक्ट बताती है कि इनका जो काम है वो हाई नेटवर्क कनेक्टिविटी एरिया में है। एंड यदि नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें जहाँ पे स्नो क्लैड एरिया है वहाँ पे इनका काम चलता है। एंड सेकंड जो यहाँ पे ये टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं वो यहाँ पे माउंटेन रीजन रहने वाला है। यदि बात करें इसी रीजन में इनके पास 99.99% का काम है, एंड उस पूरे एरिया में ये फैले हुए। यदि इस तरह का काम कोई भी अमरनाथ यात्रा या किसी भी रूट पे निकलता है तो ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक यही ऐसी इकलौती कंपनी है जो इन रीजन में टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी करती है एंड उसको मेंटेनेंस भी देखती है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो पूरे इस तरह के पूरे रीजन में ये कंपनी इकलौती कंपनी है। यदि इस तरह का कोई भी वर्क ऑर्डर निकलता है या कोई भी टेंडर निकलता है तो इस कंपनी को जरूरी ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा एंड ये कंपनी काम करती हुई देखी जाएगी। जिस तरह से इन सभी रीजन्स में गवर्नमेंट का ध्यान है, इन सभी रीजन्स में टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है, तो इन सभी कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से भी देखी जा सकती है। एंड उसी के साथ यदि बात करें तो कोलेबरेशन की भी बात की जा रही है पूरे टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा, क्योंकि ये ऐसे रीजन है यहाँ पे कोई भी कंपनी अकेले काम नहीं कर पाएगी, तो तीनों कंपनियों को एक साथ आना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक साथ आने की बात की गई है वो रिलायंस, BSNL एंड एयरटेल, तीनों यहाँ पे कोलेबरेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से करेंगे। एंड तेज़ी से जो करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पे इकलौती, मैंने आपको पहले बता दिया, इकलौती ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कंपनी है जो इन तीनों सर्विस प्रोवाइडर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हुए दिखाई देगी। एंड उसी के साथ जो पूरा यात्रा का रूट है उसमें जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे ऑफिशियल मीडिया स्टेटमेंट के हवाले से दी जा रही है। इसी के साथ यदि आप कुछ और लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कंपनी है वो कुछ इसी रीजन्स में इसी प्रकार का काम करती है, अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा हो, या फिर असम के वो रीजन हो जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। उसके साथ 22 ऐसे टेलीकॉम सर्कल्स हैं जहाँ पे ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है वो यहाँ पे फैली हुई है। 26,000 से ज़्यादा के टावर अभी कंपनी लगा चुकी है और उसको मेंटेन भी कर रही है। 5,000 से ज़्यादा इनके टीम हैप्पी टीममेट्स हैं जो इनका सहयोग देते हैं एंड 70 मिलियन ऐसे सब्सक्राइबर कनेक्टेड हैं जो यहाँ पर सेवाओं का लाभ उठाते हैं। उसी के साथ यदि हम बात करें इस पूरी कंपनी की, दो जगह कंपनी काम करती हुई देखी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट भी इसका 40% पोर्टफोलियो कवर्ड करता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की बात करें बकाए का 60% ये इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग में काम करती है। इसी के साथ ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर का जो LTP प्राइस है वो 3.18 रुपये अभी रहने वाला है। लगातार 5 दिन से 20% से ज़्यादा 20% के अराउंड की गिरावट शेयर में देखी गई है। ये गिरावट कब तक कंटिन्यू होगी, यदि इस तरह का कोई भी वर्क ऑर्डर इसे मिलता है, काम इसे मिलता है, तो जरूर कंपनी में वो तेज़ी हमें फिर से देखने को मिलेगी एंड जो कंपनी का प्राइस है वो 10 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। बकाया यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।